हेलो एवरीवन, आई एम गीत साहू। वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज़ चैनल। आज 17 अगस्त सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए होंगे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? क्या कितना अटेम्प्ट किया? 80। बात करें करंट की, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? करंट तो करंट के ही बनेंगे ना। एग्जाम तो बहुत अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 87 क्वेश्चन। बात करें करंट की, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? करंट में लगभग अभी जैसे 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और किसी खेल का ये आयोजन जो है वो लगभग 2022 में होने वाला है उसका भी पूछा गया था। करंट से लगभग अच्छे क्वेश्चन आए थे। इंडेक्स वगैरह से, राज्यपाल से? नहीं नहीं, राज्यपाल से नहीं। पॉलिटी से? पॉलिटी से शायद दो क्वेश्चन थे। आर्टिकल वगैरह? नहीं नहीं। किस टाइप के क्वेश्चन थे पॉलिटी के क्वेश्चन? ये शायद जीडीपी से ही था। कौन सा अटेम्प्ट था? क्या कौन सा अटेम्प्ट था? अटेम्प्ट मतलब कितनी बार एग्जाम दे चुके हैं आप? हम दूसरी बार सीजीएल फर्स्ट बार दे रहे हैं। इस बार फर्स्ट बार दे रहे हैं। इसके पहले आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं? जी जी। क्या उसमें स्कोर? उसमें लगभग 175 तक कर जाते हैं, और इस बार लगभग 90 क्वेश्चन करके आए हैं, तो लगभग गेस तो है। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से दो क्वेश्चन थे। याद है? जी नहीं, याद नहीं है क्वेश्चन। रीजनिंग का क्या लेवल है? रीजनिंग का लेवल तो कुछ हाई ही था, मतलब मिरर उरर से तो 2-3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन लेवल तो काफ़ी अच्छा था। मैथ का लेवल बहुत तगड़ा था। मैथ का लेवल मतलब टफ आ रहा है? बहुत टफ था मैथ। और बात करें इंग्लिश की, क्या है इंग्लिश? तो अब काफ़ी लोगों को तो समझ के बाहर होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मली ही थे। सिनोनिम्स और टोनिम्स कौन से याद? याद तो नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चन थे सिनोनिम्स से। और कॉमन एरर? कॉमन एरर 2 क्वेश्चन था। अस्सी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला अटेम्प्ट। बात करें करंट की, किस ईयर के पूछे जा रहे हैं? क्या कह रही मैम? किस ईयर के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर इसी चला है, 6 महीने का चला है। इसी करंट का ही पूछा जा रहा है। बात करें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? किसका? हिस्ट्री से। रीजन क्या कह रहे हैं? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का नहीं पता था, ये थोड़ा भीतर कणिका का जो है उद्यान पूछा था, यही सब पूछा था। अभयारण्य से कोई क्वेश्चन? अभयारण्य से वही भीतर कणिका अभयारण्य कहाँ पे है, और हीरो लीग कहाँ हुआ है, और यही सब है ऐसा कुछ। बात करें मैथ की, क्या लेवल रहा? मैथ भी सिंपल था। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को टफ किया जा रहा है? वही सब जनरल है, कोई विशेष नहीं है, जैसे आते हैं। मतलब इंग्लिश की क्या मतलब पैसेज वगैरह क्या लेवल? पैसेज तो नॉर्मल था, बाकी मैथ थोड़ा लेंथी थी। मैथ मतलब कि टफ आ रही है? नहीं टफ नहीं थी, थोड़ा लेंथी थी, हल्की थी बस। ज़्यादा और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे? नहीं रीजनिंग वो सब ना था, बस मैथ थोड़ा लेंदी था, लेंदी सरल था लेकिन थोड़ा लेंदी था। कितना टाइम किया आपने? ये तो बिना नहीं ना मैंने दे दिया। कौन सा अटैम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट। करंट में कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस ईयर के? करंट में तो नए हैं सब, नए अच्छे भी थे सब। पॉलिटी की बात करें, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहे हैं? आर्टिकल वगैरह? आर्टिकल अनुच्छेद था वो। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद था वो? 129 करके था। 129 था। स्टैटिक जीके में बांध वगैरह से कोई क्वेश्चन? अभ्यारण से मुझे याद नहीं, मैं दे दिया वहाँ से फिर निकल आए। मॉक टेस्ट वगैरह आप देती? जी नहीं। ओके, सेल्फ स्टडी। फ्रेंड्स, आज सेंटर पे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जिन लोगों से बातचीत हो पाई है कुछ क्वेश्चन बताएं, अगर उसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।